एसआरके की फिल्म डंकी का गाना लुटपुट गया में शाहरुख खान को आप घर के छत पर डांस करते देख रहे होंगे। इसमें वो एक प्लेन पर चढ़े हुए हैं और पीछे फुटबॉल भी दिख रहा है। तो लेट मी टेल यू दैट ये कोई फिल्म का सेट नहीं बल्कि असल में पंजाब के जालंधर का उपल भूपा गांव है, जहां में लोग अपने घरों पर फुटबॉल, एयर इंडिया, कमल का फूल, झांसी की रानी, भगत सिंह, किसान, ट्रैक्टर और इसी तरह की यूनिक पानी की टंकी बनवाते हैं। जी हाँ, पानी की टंकी। लेकिन गांव के लोग आखिर ऐसा करते क्यों हैं? आज की वीडियो में जानते हैं। दरअसल उपल भूपा गांव के ज्यादातर लोग विदेश में सेटल हो चुके हैं और इस गांव में उनके आलिशान घर हैं, जिनकी छतों पर इस तरह की अनोखी पानी की टंकी हर गांव वाले की आइडेंटिटी को रिप्रेजेंट करती है। जैसे ये फुटबॉल वाली टंकी, ये बताती है कि घर का मालिक फुटबॉल लवर है। एयर इंडिया वाली टंकी यूके स्थित एनआरआई संतोख सिंह उपल ने बनवाई है, जो यूके में अब बस चुके हैं। अब ये ट्रैक्टर वाली टंकी को ले लीजिए, ये कपूरथला के किसान हरजिंदर सिंह ने पिछले साल किसान मोर्चा की शुरुआत के आसपास अपने घर की छत पर बनवाई थी। वहीं फगवाड़ा के चहेरू गांव में एक पूर्व सैनिक ने अपने घर की टंकी का डिजाइन टैंक के आकार का बनवाया है। जंडियाला गांव में रहने वाले एक स्पोर्ट लवर ने अपने घर की छत पर ट्रॉफी के साथ साथ फुटबॉलर भी बनवाया है और अपने घर की छत से ग्रामीण जीवन का फील लेते हुए परशुरामपुर गांव के एक निवासी ने एक किसान और उसके साथ दो बैलों की जोड़ी के आकार का ये पानी की टंकी बनवाई है। इसी तरह लोगों ने कमल के फूल, झांसी की रानी, भगत सिंह, काठी का घोड़ा, शेर, कुश्ती करते हुए लोग, शिप, पॉट, इस तरह के अनोखे शेप वाले पानी की टंकी बनवाई है। हालांकि कुछ लोगों ने बस इसे आर्ट के तौर पर अपने घर की शोभा बढ़ाने के लिए भी बनवाया है। अब बात की आखिर ऐसी अनोखी पानी की टंकियां बनाता कौन है, तो बता दें ये जालंधर के ही रहने वाले बाप बेटे की जोड़ी का कमाल है। इनका नाम है लोभाया कौल और बलविंदर कौल। दोनों ने अब तक 3000 से ज्यादा इसी तरह की अनोखी पानी की टंकियां बनाई हैं और आज दोनों का काम जालंधर के अलावा हरियाणा, पंजाब और हिमाचल प्रदेश जैसे कई शहरों तक पहुंच चुका है। लोभाया और उनके बेटे बलविंदर ने इस काम की शुरुआत एक ऑर्डर के बाद किया था। पहला ऑर्डर लुभाया को 1995 में फुटबॉल के आकार का अनोखा वाटर टैंक बनाने के लिए मिला था और यहीं से उनकी अनोखी टंकियों की बनाने की पहल शुरू हुई। ऐसी टंकियां बनाने के लिए जब उन्हें ऑर्डर मिलता है तो सबसे पहले वो उसका डिजाइन रेडी करते हैं, उसके बाद स्टील से उसका स्टैचू रेडी करते हैं, फिर सरिये से ढांचा तैयार करने के बाद टैंक का शेप दिया जाता है, इसके बाद उस पर रंग चढ़ाकर उसे फाइनल किया जाता है। ऐसी अनोखी टंकियों को आप जालंधर के कई घरों की छतों पर देख सकते हैं। जालंधर के ज्यादातर लोग एनआरआई हैं और ये टंकियां उन्हीं की कहानी को बयां करती है। भाई, इतना इनोवेटिंग और इंटरेस्टिंग काम तो सिर्फ इंडिया में ही हो सकता है, क्योंकि शौक बड़ी चीज है। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर जरूर करें और हमें अपने सुझाव dna@india.com पर भी भेज सकते हैं और ऐसी और भी इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए फॉलो करते रहिए DNA।